Good morning, students. Welcome to the online class. I am your EBS teacher, and the today's chapter we will discuss in your EBS is super senses in animals. देखिए, like human being, animals do have sense organs which help them to communicate or discover the world. तो let's start one by one. तो now the first topic of your chapter is animal. सेंस. देखिए, एनिमल बेसिकली अपने सेंस ऑर्गन्स को यूज करते हैं टू फाइंड फूड एंड टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम एनिमीज. अपने दुश्मनों से अपने आप को बचाने के लिए वो इन सेंस ऑर्गन्स का यूज करते हैं. तो देखिए, डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट हैबिट्स और डिफरेंट हैबिटेट. तो हर एक एनिमल का अपना अलग हैबिट्स होता है, रहने का हैबिटेट भी उनका अलग होता है. तो इसलिए एक या दो से ज्यादा सेंस ऑर्गन्स उनके बॉडी में डेवलप्ड होते हैं, जिसमें पहले हम देखेंगे हियरिंग. तो हम ह्यूमन बींग अपने कानों से सुनते हैं, लेकिन एनिमल्स क्या है, जैसे हम बैट्स के बारे में बात करें तो बैट्स ज्यादा करके नाइट में ही एक्टिव होते हैं और ये अपना रास्ता एकदम कंप्लीट डार्कनेस में भी ढूंढ लेते हैं. इनके पास आईसाइट नहीं होता प्रॉपर, बट इनके पास अनयूजुअल सेंस ऑफ हियरिंग होता है, जिससे क्या होता है कि वो एक छोटा सा हर्ट भी महसूस कर लेते हैं, सुन लेते हैं, और इससे वो अपने फूड को ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं. तो इस बायोलॉजिकल सोनर सिस्टम को हम इकोलेशन कहते हैं. ठीक है, नाउ अब अगर दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना है तो वेल्स और डॉल्फिन्स क्या करते हैं, ये एक साउंड बनाते हैं जिसको हम सॉन्ग्स कहते हैं. वेल्स और डॉल्फिन्स अपने लोकेशन, साइज, लोकेशन और डायरेक्शन को और इवन फिजिकल नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट को भी सॉन्ग्स के थ्रू बता पाते हैं. फिर नेक्स्ट है आपके एलिफेंट्स. तो एलिफेंट्स के पास हमारे सेंस ऑर्गन से भी, मतलब हियरिंग ऑर्गन से भी ज्यादा पावरफुल सेंस हियरिंग ऑर्गन्स होता है, और ये बहुत ही धीमा एकदम लो साउंड को भी डिटेक्ट कर लेते हैं, और ये अपने ट्रंक और अपने फीट को भी सुनने के काम में लाते हैं. नेक्स्ट है टाइगर. टाइगर का सेंस और हियरिंग जो है वो बहुत शार्प होता है, और ये अपने एकदम जो धीमे चाल में भी एनिमल्स चलते हैं उनको, इवन ग्रास पे भी अगर मूव करते हैं तो वो उसके बारे में पता लगा लेते हैं. डॉग्स के पास भी उनका जो रेंज होता है सुनने का वो ह्यूमन आई से बियॉन्ड होता है, ईयर से बियॉन्ड होता है. और पिजन का जो साउंड है वो लो फ्रिक्वेंसीज को भी अच्छे से सुन पाता है और अपने सेंस ऑफ डायरेक्शंस को वो बता पाता है. तो ये था आपका हियरिंग. नेक्स्ट है साइट, देखना. ठीक है, ठीक है. बर्ड्स के पास शार्पर विजन होता है ह्यूमंस के ये कंपैरिजन में. तो हमारा जो विजन है वो बर्ड्स से कम होता है. तो जैसे हम बर्ड ऑफ प्रे ईगल को कहते हैं, तो उसके पास उसका जो आईज होता है बहुत ही आईसाइट बहुत अच्छा होता है, और ये बहुत ही दूर डिस्टेंस से भी अपने प्रे को ढूंढ लेता है जस्ट बिकॉज ऑफ देयर आईसाइट्स. और इसलिए हम वैसे लोग जिनका विजन बहुत ज्यादा अच्छा होता है हम उन्हें ईगल्ड आई कहते हैं, चील की आंख, है ना. नाउ नॉक्टर्नल एनिमल्स लाइक आउल्स. देखिए, ये सारे नॉक्टर्नल्स का मतलब होता है जो एनिमल्स दिन में एक्टिव नहीं होते बट रात में एक्टिव होते हैं. तो ये जो नॉक्टर्नल्स एनिमल्स हैं उनका आईसाइट जो होता है वो रात में बहुत ज्यादा ही एक्टिव होता है और अपने फूड को फाइंड करने में हेल्प करता है. जैसे आप कभी रात में बिल्ली की आई को देखोगे तो वो एकदम ग्लो करता है, चमकता है, जैसे कि आप इस फोटो में भी देख सकते हैं, है ना. तो क्या है कि इसका एक स्पेशल फीचर होता है इसके आई में, कि इसके आई के अंदर एक स्पेशल लेयर होता है और ये स्पेशल लेयर उसके आई को ग्लो करने में हेल्प करता है. दिस हेल्प देम टू पिक अप द फेंटेस्ट ऑफ लाइट एंड सी बेटर इन डार्क. और ये इसको हेल्प करता है कि वे अंधेरे में भी बहुत अच्छे से देख सकता है. पेंगुइन्स, अब हम बात करते हैं पेंगुइन्स की. तो पेंगुइन्स के पास अंडर वाटर विजन होता है, मतलब वो पानी के अंदर भी देख सकता है. फिश कैन सी इन एयर एंड वाटर साइमल्टेनियसली. और फिश जो है एयर और वाटर दोनों में एक बार में देख सकता है.
और इनका जो आईज होता है वो फ्लैप से डिवाइडेड होता है और देयर इज वन ओपनिंग इन द एयर एंड वन इन द वॉटर। एक एयर की तरफ ओपनिंग होता है इसका और एक वॉटर की तरफ, इसलिए वो एक साथ एयर और वॉटर दोनों में देख सकता है। नेक्स्ट है हमारा स्मेल, तो स्मेल को हम कल डिस्कस करेंगे, अभी हम हियरिंग, साइट्स और एनिमल सेंस तक देखेंगे। कल का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा स्मेल एंड टच एंड टेस्ट, तो अभी हम यहीं पे छोड़ते हैं, कल हम आगे फर्दर टॉपिक्स के साथ आपको फिर से मिलेंगे। तब तक आप पढ़ें और सेफ रहें।